नमस्कार, अजय एस्ट्रो मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट, आप सभी की दोस्त दीक्षा। अजय एस्ट्रो मनी के द्वारा आप सभी से मुखातिब होती हूं। जी हां, सोमवार का दिन है, 30 मई की डेट है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पिनिंग मिलों की। सीमित खरीद होने से कर्नाटक में कॉटन के जो भाव स्थिर रहे और दैनिक आवक जो रुक गई है उसके बारे में। उससे पहले, अभी तक आपने अजय एस्ट्रो मनी को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अजय एस्ट्रो मनी आपको पूरे विश्लेषण के साथ पूरी जानकारी उपलब्ध करवाता है। और ये रिपोर्ट हम शुरू करेंगे उससे पहले एक और बात, अगर आपको और भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं कि नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार स्पिनिंग मिलों की सीमित खरीद होने के चलते सोमवार को कर्नाटक में कॉटन के भाव तीसरे कार्य दिवस में भी स्थिर बने रहे, जबकि राज्य की मंडियों में कपास की दैनिक आवक भी रुक गई है। राज्य के कपास उत्पादक क्षेत्रों में मौसम तो साफ है। व्यापारियों के अनुसार राज्य की मंडियों में कॉटन के दाम स्थिर बने हुए हैं, क्योंकि जहां स्पिनिंग मिलों की खरीद सीमित बनी हुई है वहीं जीनर्स भी दाम घटाकर गांठों की बिकवाली नहीं कर रहे हैं। वैसे भी चालू सीजन में कपास के उत्पादन अनुमान में आई कमी के चलते राज्य की मिलों के पास औसतन महीने भर से कम की खपत की कॉटन बची हुई है, जबकि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने के चलते कॉटन के आयात बढ़ने नहीं लग रहे हैं। ऐसे में आगे कॉटन की कीमतों में नरमी तो आएगी, लेकिन अभी बड़ी गिरावट के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं घरेलू वायदा बाजार में आज कॉटन की कीमतों में मिलाजुला रुख दिखा गया। NCDEX पर अप्रैल 23 वायदा अनुबंध में कपास की कीमतें 1.15% नरम हो गई। वहीं MCX पर मई वायदा अनुबंध में कॉटन के भाव में 130 रुपए की तेजी आकर भाव 48,700 रुपए प्रति गांठ हो गए हैं। वहीं सोमवार को राज्य की मंडियों में कॉटन की आवक 200 गांठ की हुई, जबकि शनिवार को भी आवक इतनी ही गांठ की हुई थी। वहीं राज्य की मंडियों में आज बिनौला के भाव 3800 से लेकर 4500 रुपए रहे और कपास के भाव 11000 से लेकर 13000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। अब बात करते हैं राज्य की मंडियों में कि राज्य की मंडियों में 29.5/30 mm कॉटन के भाव 1,05,000 से लेकर 1,07,000 रुपए और 29 mm कॉटन के दाम 1,03,000 से लेकर 1,05,000 रुपए और 29 mm कॉटन के भाव 1,01,000 से लेकर 1,03,000 रुपए प्रति कैंडी हो गए हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट, और ऐसे ही और रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए अजय एस्ट्रो मनी के साथ, क्योंकि अजय एस्ट्रो मनी आपको पूरे विश्लेषण के साथ जानकारी उपलब्ध करवाता है। नमस्कार।